आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुहर्रम की शक्ल में मनाई जाती है हुसैन घराने की शहादत दिवस। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के इमलीपुर गांव में मुहर्रम के जुलूस का आयोजन किया गया। इस मौके पर करबला के मैदान में हुसैन और उनके घर वालों ने इंसानियत को बचाने के लिए तथा मानवता को जिंदा रखने के लिए दी जाने वाली कुर्बानी के उपलक्ष में नवहा खानी और मातम का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले के कोने कोने से अनेकों अंजुमन में और नौहा पढ़ा और मातम किया। मुहर्रम की जानकारी देते हुए मौलाना मेहंदी साहब ने बताया कि मुहर्रम का जुलूस निकालकर हुसैन को याद किया जाता है, क्योंकि हुसैन और उनका घराना दुनिया में मानवता को जिंदा रखने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे परिवार की शहादत दे डाली। उन्होंने कहा कि करबला के मैदान में की जाने वाली शहादत हमेशा याद रहेगी और जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग मुहर्रम के शक्ल में हुसैन को याद करते रहेंगे, मुहर्रम की शक्ल में हुसैन घराने को याद करते रहेंगे। न्यूज 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के इमलीपुर गांव में, जहां मुहर्रम से संबंधित जुलूस चल रहा है। आइए हम जानना चाहेंगे मौलाना से कि इसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से ये मनाया जाता है। सर अपना नाम बताएं। हमारा मौलाना मोहम्मद मेहदी, मैं आजमगढ़ में मदरसा जामिया मिल्लिया में हूं। सर आज जो जुलूस चल रहा है, जो सेमिनार हो रहा है, मतलब इसका उद्देश्य क्या, पर्पज क्या, क्यों मनाया जाता है? ये जो जुलूस है और हर जगह हो रहा है, लेकिन ये जुलूस इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में अपना बलिदान दीन और मजहब और ख़ास कर ह्यूमैनिटी और इंसानियत के लिए जो अपने आप को कुर्बान किया, अपने बच्चों के साथ और अपनी औरतों के साथ गए और वहाँ के ऊपर उस वक्त का जो एक शासक, जैसे हम आज कह सकते हैं एक तरह से एक रावण के मुकाबिल में, इमाम हुसैन ने अपना स्टैंड लिया और वहाँ पे अपनी कुर्बानी की, लेकिन उन्होंने इंसानियत को अपनी कुर्बानी से और अपने बलिदान से बचाया। जब अपनी कुर्बानी इंसानियत के लिए दी तो हर इंसान का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो उस कुर्बानी और वो उस शहादत को याद करे। तो हमारे यहाँ और इस आज इमलीपुर गाँव में उसी शहादत की याद मनाने के लिए ये सारे शार्दुलु और ख़ासकर ये जितने ज़ायरीन हैं आए हुए हैं और इमाम हुसैन को याद करें। हाँ सर, ये संदेश गैर मुस्लिमों के बीच में भी उनकी भाषा में उसे दिया जाता, समझाया जाता, जैसा कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इमाम हुसैन का मामला तो ऐसा है कि चाहे ये मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चूँकि इमाम हुसैन शीहों के नहीं हैं। इसी हिंदू पंडित दशरथ नाथ ने इसीलिए चार मिसरे कहे थे इमाम हुसैन के लिए। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन को कहते हैं कि तू तो हर दौर के हर दीन के इंसान का है, कम कभी भी तेरी तौकीर न होने देंगे। और वो हिंदू कहता है कि हम सलामत हैं ज़माने में, तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे। यानी इमाम हुसैन किसी एक कौम या एक मसलक या किसी एक धर्म के नहीं हैं, जहाँ पे भी इंसान है और उसके अंदर इंसानियत है, हुसैन सबके हैं। इसीलिए आप यहाँ नहीं, बल्कि आप बंगाल चले जाइए, आप दूसरे जहाँ चले जाइए, वहाँ शिया नहीं है, वहाँ मुसलमान नहीं है, मगर हुसैन का ताज़िया होता है। क्यों? जो इमाम हुसैन इंसानों का। हाँ सर, क्या हुसैन को मानने वाले हुसैन के रास्ते में पूरी तरह से चल रहे हैं? बिल्कुल, जो मानते हैं और जो कायदे से मानते हैं वो वाकई इमाम हुसैन के ही रास्ते पे चल रहे हैं, और वाकई जो इमाम हुसैन के रास्ते पे चल रहे हैं वो आज भी इंसानियत को बचाने के लिए। भी एक वाकया ही आपके सामने ही गुजरा है कि एक हिंदू डूब रहा था लड़का, उसको बचाने के लिए एक मुसलमान लड़के ने अपनी कुर्बानी दे दी। ये कहाँ का जज्बा है? ये जज्बा करबला से मिलता है, ये जज्बा हमें इमाम हुसैन और उनके शहीद जो करबला में हुए उनसे मिलता है। तभी तो हम एक दूसरे इंसान की मदद के लिए, इसलिए क्या ये नहीं देखा जाता कि फिर वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है, इसलिए कि हुसैन का पैगाम हर धर्म के लिए है। ये तो मौलाना मेहदी साहब जो बता रहे हैं कि हुसैन साहब ने पैगाम दिया है कि इस्लाम सबके लिए है, शांति और प्रेम का संदेश देता है। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर
अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।